देखो बच्चों, यहाँ कुछ हम पढ़ते हैं कि रिप्रोडक्शन एंड टाइप्स है। तो प्रजनन क्या है? तो आप लोगों को पता है कि माता पिता अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं, इस क्रिया को प्रजनन कहते हैं। प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग फ्रॉम पेरेंट्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। टाइप्स हम लोग देख लेते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ प्लांट एक्सेप्ट फ्लावर। अगर फूल को छोड़ दें, हम लोग को पता है कि प्रजनन अंग फूल है। फूल में ही प्रजनन के दो अंग होते हैं, मेल अंग उमंग और जयांग, एंडोशियम एंड गानोशियम। तो ये फूल से तो प्रजनन होता ही है, क्योंकि वो दोनों आपस में पॉलिनेशन की क्रिया होती है, परागण क्रिया होती है, और जो है फर्टिलाइजेशन के बाद में नए सीड बनता है, नए एम्ब्रियो डेवलप करता है, फल बनता है, फल से बीज बनता है, बीज से नए संतान उत्पन्न होते हैं। तो प्रजनन की क्रिया में फूल भाग लेते हैं। लेकिन अगर प्रजनन की क्रिया पौधों में फूल को छोड़कर पौधे के अन्य भागों जैसे जड़, तना, पत्ती के द्वारा नए संतान उत्पन्न हो जाते हैं, तो उस क्रिया को कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जैसे देखो, अगर रूट से तुम लोग पढ़े हो, मूली जैसे पौधे होते हैं, मूली में रूट से रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है। जैसे कि तुम लोग स्टेम जानते हो, सोलनम, आलू, प्याज, जिंजर, अदरक, ये सब देखे हो, उसका स्टेम तना को ही, अगर वो तना है, आलू एक तना है, आलू को अगर लगा दोगे मिट्टी में तो नया पौधा उत्पन्न हो जाएगा लीफ के द्वारा। ब्रायोफाइलम पत्थरचट्टा एक पौधा होता है, अगर वो उसका पत्ता अगर तुम देखे होगे, उसका पत्ता इस तरह से अगर जमीन पर गिर जाता है तो उसके किनारे किनारे से नए पौधे जन्म लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल का मतलब समझ में आ रहा है, असेक्स, सेक्स मतलब दो सेक्स होते हैं, एक होते हैं मेल और एक होता है फीमेल, ये दोनों सेक्स होते हैं। दोनों सेक्स अगर मिलकर होता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल माने दोनों मिलते हैं, दोनों की जरूरत नहीं है। इट डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ये दोनों मेल एंड फीमेल का पार्ट का गैमेट्स का फ्यूजन की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती। मेल एंड फीमेल का गैमेट्स जो है युग्मक आपस में नहीं मिलते। ये प्राइमरी फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन है जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है। एकदम निम्न श्रेणी के जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, खास करके उसी तरह के जीव में जैसे आर्की, बैक्टीरिया। नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि मेल एंड फीमेल जो होते हैं, पुरुष और स्त्री जो होते हैं वो मेल गैमेट बनाते हैं, पुरुष मेल गैमेट बनाता है और फीमेल जो होता है फीमेल गैमेट बनाता है, और ये आपस में मिलते हैं दोनों गैमेट्स, फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन से एम्ब्रियो उत्पन्न होता है, जायगोट, और यही जायगोट फिर नए संतान की उत्पत्ति, ऑफस्प्रिंग नए संतान की उत्पत्ति करती है। तो इसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं पार्थेनोजेनेसिस। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, इसमें ओवम जो होता है, एग जो होता है, ओवम एग अंडा जो होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन के, बिना निषेचन के एम्ब्रियो नए संतान एम्ब्रियो में बदल जाता है, नए संतान की उत्पत्ति करती है, तो इसको कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। ये कुछ पौधों में होता है और कुछ जंतुओं में होता है, लोअर प्लांट्स में होता है। जो लोअर प्लांट्स हैं, निम्न श्रेणी के पौधे हैं जैसे सोलानम, आलू, डेटम, इस तरह के कुछ जीव हैं जिसमें पौधे हैं जिसमें ये पार्थेनोजेनेसिस क्रिया होती है। और दूसरा है सम रोटीफर्स है, एम्फीड्स है, एंट्स, चींटी है, वैस्प है, बी मधुमक्खी है, इस तरह कुछ जंतु होते हैं जिसमें ये पार्थेनोजेनेसिस की क्रिया होती है। पार्थेनोकार्पी, देखिए इसलिए मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि पार्थेनोजेनेसिस के साथ पार्थेनोकार्पी का कन्फ्यूजन नहीं करोगे। अगर दोनों में डिफरेंस भी अगर आ जाएगा तो देखो यहाँ पर ये एनिमल एंड प्लांट दोनों में होता है, लेकिन ये जो है पार्थेनोकार्पी, कार्पी मतलब होता है कार्पेल, कार्पी जो है कार्पेल से आता है, कार्पेल जो होता है कार्पेल क्या है, ये गायनोशियम फीमेल पार्ट है, ये गायनोशियम ये फीमेल पार्ट, कार्पेल जो है ये फीमेल पार्ट, गायनोशियम यानी जायांग, जायांग जो है को ही कार्पेल कहते थे, कार्पी यहाँ पर आया पार्थेनोकार्पी, यानी कि ये पार्थेनोजेनेसिस की क्रिया से पौधों में होती है। प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ सीडलेस फ्रूट, मतलब सीडलेस फ्रूट का मतलब होता है बीज रहित फल, बीज रहित फल का निर्माण करना। जैसे तुम लोग ये पौधों में ही होता है, जैसे बनाना, केला, अंगूर, पाइनएप्पल, इस तरह के सेब, तुम लोग नाम सुने हो जिसमें इस तरह की क्रियाएं